पारसनाथ राय अफजल अंसारी के सामने। बिल्कुल जी हाँ, निश्चित तौर पर सौरभ वो एक सरप्राइज नाम आपको नजर आएगा, क्योंकि पिछले दिनों आप जितने भी रिपोर्ट्स आपने देखे होंगे, जो आमतौर पर कयासबाजी या चर्चाएं होती हैं कि इनका नाम चल रहा है, इनका नाम चल रहा है, उसमें से कहीं भी ये नाम नहीं आया होगा। एक व्यक्ति भी गाजीपुर का ये नहीं बताया होगा आपको कि पारसनाथ राय को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मनोज सिन्हा के चुनाव प्रबंधन में इनका बहुत अहम रोल हमेशा से रहा है। संघ के स्वयंसेवक हैं और मूलतः ये संघ के स्वयंसेवक ही हैं, बाद में चुनावी उसमें ये मैनेजमेंट का काम उस रूप में देखते थे। तो आप समझ सकते हैं कि किसका आशीर्वाद रहा होगा जिसके चलते उन्हें टिकट मिला। जोर आजमाइश बहुत ज़्यादा थी, कहा यह जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि अगर भूमिहार को ही देना हो तो कृष्णानंद राय के परिवार में उनके बेटे या उनकी पत्नी अलका राय को दे दिया जाए। दूसरी तरफ बलिया से कोशिश ये कर रहे थे उपेंद्र तिवारी की बलिया सीट भूमिहार को दे दिया जाए और वो सीट उनको मिल जाए। तो ये जोर आजमाइश बहुत ज़्यादा चली, लेकिन आखिरकार पार्टी को, क्योंकि एक भूमिहार को देना था, मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा को नहीं देना था परिवारवाद के चलते, तो उस अदरवाइज सर्वे में सर जो नाम आया था गाजीपुर के सर्वे में उसमें दो ही नाम आया था। पहला नाम मनोज सिन्हा, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, वो भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार के हिसाब से, पीएम मोदी और अमित शाह के हिसाब से, तो उनको उसी रोल में अभी रखा जाएगा। दूसरा नाम आया था उनके बेटे अभिनव सिन्हा को, जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इंजीनियर है मूलतः, उनके नाम को दे दिया जाए। परिवारवाद की समस्या के चलते शायद पार्टी ने वो निर्णय नहीं लिया होगा,